मत मारना। योगेश जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, हे गुरुदेव, मन में जो भी प्रश्न उठता है उसका समाधान अगले ही क्षण सत्संग में मिल जाता है, फिर भी विकार बार बार परास्त कर रहे हैं जिससे भगवत मार्ग में चलने का उत्साह में कमी आती है। बच्चा बात ये देखने की, सुन लिया और समझ लिया कि घी में बहुत बढ़िया ताकत है, खाने से बड़ा पावर आता है, लेकिन पावर तो नहीं आ गया ना, पावर तो घी खाने से आएगा। जानकारी हो गई कि वो पावरफुल वस्तु है, पर उससे घी के खाने से शरीर में बल आएगा। ऐसे ही नाम की महिमा सुन ली, धाम की महिमा सुन ली, प्रभु की महिमा सुन ली, वो तो है ही सत्य है। अब उसमें आप डूबो तो विकार खत्म हो जाएंगे। विकार का मतलब होता है जो अज्ञान जनित संसार में सुख भोग की लालसा है, वो ज्ञान जनित प्रकाश से हम असलियत देख लें तो हमारा भाव खत्म हो जाएगा। जैसे हमें दूर से दिखाई दे रहा है रेत में जल, जब कभी गंगा किनारे जैसे सुबह सुबह भ्रमण करते थे ना, तो ऐसा देखा है दूर से लग रहा है निर्मल गंगा जल भरा हुआ है, और जब नजदीक गए तो केवल श्वेत बालू है, कुछ नहीं है, एक बूंद जल नहीं है। ये भ्रम हो जाता है, इसे मरुमरीचिका कहते हैं। ये मरुभूमि में जल का भान हो जाना, ऐसा सूर्य की किरणों के प्रताप से ऐसा होता है। ऐसे ही माया का ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, पदार्थों में सुख है, संसार में सुख है, और जो इसको रचने वाले हैं वो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और हम उनके जन हैं और हमको दिखाई दे रहा सुख, तो गलत है ना। हमारे अंदर दिमाग अभी सही, हमारा दिमाग नहीं चल रहा, तो वो सही दिमाग तब चलेगा जब खूब नाम जप करोगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो विकारों की शक्ति कमजोर हो जाएगी। केवल आध्यात्मिक पावर से ही विकारों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, और किसी बड़े बड़े परमाणु बम से भी नहीं। किसी कोई भी अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं है कि आप विकार को नष्ट किसी भी तरह से, अगर वो नष्ट हो सकता है तो एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से बड़े कोई नहीं है। नाम जप करो, नाम से ज्ञान विज्ञान बल सब उदय हो जाएगा। नाम बल इतना है कि प्रभु को अधीन कर लेता है, विकार तो बहुत छोटी बात है। इसलिए नाम जप करो, केवल जानकारी से बात नहीं बनेगी, केवल जानकारी से बात नहीं बनेगी। हमने 56 भोग पढ़ाए और सुनाए और आपने सुने, लेकिन स्वाद तो एक कभी नहीं मिला ना। अब असलियत तब है कि जिन 56 भोगों का ज्ञान हुआ हम उसको बनाएं और भोग लगाएं और पाएं, अब पूरा हुआ काम। तो सुन लिया ये अधूरा, सुन करके उसे आचरण में उतारा और अनुभव हुआ, अब ये पूरा। तो अभी तो अधूरा है, अधूरा काम ठीक नहीं रहता, उसे पूरा करो। ये विकार तभी तक घसीटते हैं जब तक देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं, ये भाव जब तक रहेगा तब तक आकर्षण बना रहेगा। और जहां प्रभु का मैं दास हूं या दासी जो भी भावना बने, और उस पे जब आप, तो फिर कोई विकार की ताकत नहीं कि आपको घसीट ले, क्योंकि सब फिर भगवत स्वरूप हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है माया का। समझ रहे बच्चा? हाँ, खूब डट के नाम जप करो तो फिर बात समझ में आएगी। गीता जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री।